हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटा सा जानकारी लेकर आया हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं और यह जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो आपको वाट में मिलते हैं, जैसे कि क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट। इस प्रकार के दोस्तों आपको जो अलग अलग वाट में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और देखिए दोस्तों, यह रेजिस्टेंस जो है तो मैंने सीरीज में किया हुआ है। और दोस्तों आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको रेजिस्टेंस को सीरीज में कम करना होता है। और दोस्तों यह पैरेलल है, मतलब दोस्तों हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कब करते हैं, तो उसी बारे में दोस्तों एक छोटा सा जानकारी लेकर आया हूँ। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हमें सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता है, तब हमको दोस्तों ऐसा करना होता है। दोस्तों जैसे कि मेरे पास यह रेजिस्टेंस है और इसका वैल्यू जो है तो 15 ओम का एक रेजिस्टेंस है। यह जो है फिलहाल अभी सीरीज में है। और दोस्तों हम रेजिस्टेंस को सीरीज में क्यों करते हैं? सीरीज में करने पर किसी भी चीज़ का दोस्तों वैल्यू बढ़ता जाता है। जैसे दोस्तों यदि हमने रेजिस्टेंस पर यह 15 ओम और दोस्तों एक और 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 30 ओम। तो दोस्तों हम सिंपल सा सीरीज में रेजिस्टेंस को कब करते हैं? जब हमें दोस्तों उदाहरण के लिए कि 30 ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों हमें चाहिए और हमें 30 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों हम इस प्रकार से, यदि हमारे पास 2 15 ओम के रेजिस्टेंस हैं, तो दोस्तों हम उसे सीरीज में करके और उसका वैल्यू दोस्तों बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको और इसका वैल्यू बढ़ाना है, तो आप दोस्तों सीरीज में जो है रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे, इसका वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा होता है कि हमें रेजिस्टेंस जो है तो पैरेलल में करना पड़ता है। और दोस्तों पैरेलल में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यह रेजिस्टेंस जो है तो मैंने पैरेलल पर किया है, इसे दोस्तों मैंने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, पैरेलल में जोड़ने पर जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास 2 15 15 ओम के रेजिस्टेंस हैं और उसे जब दोस्तों हम पैरेलल करेंगे, तो इसका वैल्यू जो है तो हाफ हो जाता है। मतलब दोस्तों हमें यदि कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए और हमारे पास दोस्तों उस वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं है, उससे दोस्तों डबल वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो उसे हम दोस्तों जब पैरेलल में लगाएंगे तो हमें जो उसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों तो हाफ देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यह 15 ओम का रेजिस्टेंस है और दोस्तों इसे जब हमने पैरेलल में किया हुआ है, तो इसका वैल्यू दोस्तों कम हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। जैसे दोस्तों यह 15 ओम का रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, तो दोस्तों आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों 7.4, तो लगभग दोस्तों हमें 7.5 ओम के लगभग ये जो है इसका वैल्यू दोस्तों तो मिल रहा है। तो पैरेलल में और सीरीज में करने का काम दोस्तों यही होता है कि जब हमें सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता है, तभी दोस्तों हम पैरेलल अथवा सीरीज में दोस्तों रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। और अब दोस्तों देख सकते हैं, मैंने ये जो सीरीज में 2 15 ओम के रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो इसे भी दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एक रेजिस्टेंस जो है 15 ओम के लगभग है, 14.7। और इसे दोस्तों हम यदि सीरीज में करके इसका वैल्यू चेक करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों 29.4 के लगभग हमें मिल रहा है। तो दोस्तों यदि आपके पास सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता है, तो आप भी इस प्रकार से दोस्तों सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़कर और वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पैरेलल में करके और रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार।